हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं एकदम। और घर पर हैं, सेफ हैं एंड बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं? चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। अभी आपके पास पूरा पूरा टाइम है और मेरी माने तो इस टाइम को यूटिलाइज करें एंड पूरी मेहनत करें, ठीक है जी? ताकि पिछले दिनों में जब आप अपने कामों में भी व्यस्त थे और आपको तैयारी भी करनी थी, तो जो भी टाइम उस टाइम पे आपको नहीं मिला था, अभी आप उसको कॉम्पेंसेट करें एंड जितना हो सके अपना पढ़ाई में ध्यान दें। बाहर जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा, कुछ नहीं कह सकते हैं, सिचुएशन के बारे में कोई भी कॉमेंट नहीं कर सकता है। तो हम लोग भी सब घर से ही काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है वीडियोस डिलीवर की जाएं टाइम पर। एड्यूटैप पूरी कोशिश करता है हमेशा कि बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको कभी ना तोड़े, इनफैक्ट उस पर खरा उतरे। तो वही कोशिश हमारी चलती रहेगी जी घर से, जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि काइंडली थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। अगर कोई वीडियोस में बाय चांस साउंड इश्यूज या किसी और तरीके के टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो इट इज़ बिकॉज क्योंकि एवरीबडी फ्रॉम द टीम इज यू नो रिकॉर्डिंग द वीडियोस एट होम ओनली। तो काइंडली कोऑपरेट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन इन एडवांस। तो चलिए जी, फिर आपको पता है ये इंग्लिश का सेशन है और हर रोज हम जब भी इंग्लिश का सेशन करते हैं वी डू समथिंग न्यू। तो देखते हैं जी आज हमने क्या करना है इंग्लिश में। तो फटाफट से अपने कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं एंड अगेन मैं आप सब लोगों से रिकॉर्डेड वीडियोस के द्वारा ही मिल पाऊंगी जब तक ये लॉकडाउन चलेगा, ठीक है जी? तो कोई बात नहीं, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें एंड जितना हो सके अपना बेस्ट एफर्ट दें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं फिर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है। फटाफट से अपने रजिस्टर्स ले आए जो नहीं लेकर आए हैं बच्चे, सो दैट हम जल्दी से ये सेशन जो है स्टार्ट करें और इसमें से मैक्सिमम जो है गेन करें, राइट? ओके, सो लेट अस सी दैट टुडे व्हाट वी हैव टू डू। हाँ जी, तो आज हमने करना है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक टेंसेस, ठीक है जी? क्या टॉपिक है आज हमारे पास? आज हमने टेंसेस करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी ये चैप्टर आपके लिए सीटेट में, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि जो एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड कई लोगों को ये जो टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दिनों में हम ऐसे ही टॉपिक्स उठाएं ज्यादातर जिसमें जो ज्यादातर दिक्कतें आती हैं, सो दैट वो सॉल्व हो पाए, बिकॉज नाउ यू हैव ऑल द टाइम टू डिवोटेड टू योर स्टडीज, राइट? सो वी ऑल नो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीन टाइप के टेंसेस हैं, हमें ऑलरेडी पता है जी ये, ठीक है? तो फिर अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं इस टॉपिक में से, जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। सो अराउंड 10 टू 15 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो अलोंग विद द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं बिना और कोई बातें करें व्यर्थ की, ठीक है? ताकि जो भी है आपको अच्छे से समझ में आए। तो फटाफट से देखते हैं फिर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन गिवन है क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है? और उसके नीचे है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है जी? तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन जो है उसको रीड करेंगे। तो देखते हैं जी क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? आपको पता लग गया कि ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम सवाल पढ़ते हैं क्या है। डॉक्टर शर्मा एंड विनय होस्टेड अ ग्रैंड रिटायरमेंट पार्टी दैट द रिवर बैंक कैफे डैश, ठीक है? आपके पास चार ऑप्शंस है जी यहाँ पर। एक ऑप्शन है जी आपके पास केटर्स, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास विल केटर, थर्ड ऑप्शन है जी इज केटरिंग और फोर्थ है जी केटर्ड। अब ध्यान से देखें जरा यहाँ पर कि यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर शर्मा एंड विनय होस्टेड, ठीक है? हमें होस्टेड गिवन है यहाँ पे, दैट मींस कि जो ये होस्टेड है ये कौन सा टेंस है आपका?
ये है जी आपका बिल्कुल सही, पास्ट टेंस। ठीक है, सबको पता है कि जो ये होस्टेड है आपका, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमें जो सेंटेंस है, अगर हम पैरेलली चलाएं सेंटेंस को, तो यहां पर भी सेम टेंस आना चाहिए आपका, ब्लैंक में भी पास्ट टेंस आना चाहिए, राइट? तो जो फोर्थ ऑप्शन है जी आपकी, केटर्ड, दैट इज द आंसर। तो क्या बनेगा? डॉक्टर शर्मा एंड विनय होस्टेड अ ग्रैंड रिटायरमेंट पार्टी दैट द रिवर बैंक कैफे केटर्ड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। एक बार एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट वन। द वर्ब होस्टेड रेफर्स टू द पास्ट टेंस। ठीक है, यही बताया मैंने कि जो होस्टेड है यहाँ पे आपके पास गिवन है, वो यहाँ पे आपको गिवन है जी पास्ट में। ठीक है, तो इसीलिए जो सेंटेंस है उसमें वर्ब भी किसमें होगा आपका, वर्ब भी होगा जी पास्ट टेंस में। दैट इज वाई आंसर इज केटर्ड, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है जी, क्लियर है अच्छे से? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, आपको फिलअप करना है जी करेक्ट वर्ब फॉर्म से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोनिका इज ट्राइंग टू रीड ऑल थ्री बुक्स इन द सीरीज बिफोर समर डैश एंडेड, विल हैव एंडेड, विल एंड या एंड्स। अब आप अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे इज है जी, ठीक है, और यहाँ पे इज है, दैट मीन्स जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका टेंस है दैट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इज गिवन है। तो इसका मतलब अगर हम एलिमिनेशन मेथड देखें तो एंडेड भी नहीं होगा। ठीक है, विल हैव दिस इज ऑल्सो इन फ्यूचर, ये भी नहीं होगा, विल एंड भी नहीं होगा। तो जो आपके पास ऑप्शन बचा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, एंड्स। एंड वैसे भी अगर मैंने आपको बताया, ये तो आपने एलिमिनेशन मेथड से भी कर लिया, एंड अगर दूसरे तरीके से भी आपको यहाँ पता लग गया था कि प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट में जो आंसर है वो सिर्फ एक ही अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, तो ये दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में, द वर्ब इज ट्राइंग जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, एंड इसीलिए जो आंसर है आपका एंड्स होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट चॉइस। क्लियर? ओके, आसान था ये सवाल, बट इसी टाइप के जो आपके सवाल हैं वो पेपर में आते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इन द सेम पैटर्न। व्हाइल अटेम्प्टिंग टू डैश His broken bicycle, Rahul realized that he did not have the proper tools. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें डैश दिया हुआ है while attempting to, तो देखो क्या आंसर आना चाहिए, बी रिपेयरिंग या फिर हैव रिपेयर या रिपेयर या फिर रिपेयर्ड, क्या आंसर होना चाहिए सोचिए फटाफट। वैसे तो दिया ही हुआ है आपको, बड़ा ही सिंपल था ये सवाल भी। अब देखो यहाँ पर जो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है जी वो दे रखी है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक टू। ठीक है, तो आपको पता है कि वहां पे टू दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर थ्री दिया होगा, दैट इज योर रिपेयर। तो क्या बना, व्हाइल अटेम्प्टिंग टू रिपेयर हिज ब्रोकन बाइसिकल राहुल रियलाइज दैट ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर टूल्स। ठीक है, तो इसको देख लो एक बारी एक्सप्लेनेशन में भी, द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब रिपेयर गोज विद द टू इन द सेंटेंस, सो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। वही हमने किया जी ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज रिपेयर। क्लियर? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। अगर कोई भी कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन में आपको, तो इसको दोबारा सुने वीडियो को जाकर स्टार्टिंग से, एंड यू कैन ऑल्सो मेल अस, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर डैश फोर एक्सीलेंट रेस्टोरेंट्स। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान दिया करें कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है आपको रेस्टोरेंट्स, एस दिया हुआ है मतलब। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा है, और वो तो लिखा ही हुआ है कि फोर एक्सीलेंट है रेस्टोरेंट्स। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द टाउन, तो सिंपल है जी आंसर, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर टू।
The verb are agrees with the plural noun restaurants. So option 2 is the correct answer. So yahan pe aa jayega ji aapka are. There are 4 excellent restaurants in the center of the town. Very, very simple. Okay, next question. We have dash more sweets since that wonderful bakery opened down the block. Ab dekho yahan par, we have dash more sweets since that wonderful bakery opened down the block. Ab yahan pe hame diya hua hai ji have. ठीक है कि वी हैव डैश और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं एट बीन ईटिंग बीन ईट या ईट देखो बीन ईट तो सुनने में भी आपको पता है कि गलत ही लग रहा है ठीक है तो सिंस यहाँ पे अगर हैव दिया हुआ है तो इट इज वेरी सिंपल कि आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओगे इसमें कौन सा टेंस लगाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेट मी ट्राई टू राइट आप इसमें लगाएंगे जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सो वी हैव बीन ईटिंग मोर स्वीट्स सिंस दैट वंडरफुल बेकरी ओपन्ड डाउन द ब्लॉक तो बहुत ही आसान था ये इसको आप यहाँ पर भी एक बारी देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है एंड इसीलिए वहां पे बीन ईटिंग लगा है क्योंकि हैव के साथ ऑब्वियसली आपका बीन ईटिंग ही जाएगा ठीक है हैव के साथ जो ये बाकी ऑप्शंस हैं ये वैसे भी नहीं जा रही हैं तो आप इसको अपना जो आपका एलिमिनेशन मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते थे ठीक है एलिमिनेशन में एलिमिनेट करके भी आप इसको क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल कि अगर आपकी बाकी ऑप्शन जो है निकल जाएं तो आप राइट ऑप्शन में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ठीक है जी तो एलिमिनेट करना सीखें ऑप्शंस को इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम ओके नेक्स्ट देखते हैं हाँ जी अब डायरेक्शन को पढ़ें जरा ध्यान से यहाँ पर क्या डायरेक्शन गिवन है आपके पास रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द टेंस फॉर्म दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस कि ये जो आपके पास अंडरलाइन है यहाँ पे ठीक है आपने इसको रिप्लेस करना है इन चारों में से एक ताकि जो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीटली करेक्ट हो ठीक है तो रेडी है चलिए फिर पढ़ते हैं द वर्ड्स इक्वल जस्टिस अंडर लॉ इज कार्व्ड अबव द मेन एंट्रेंस टू द सुप्रीम कोर्ट हाँ जी अब यहां पर आपको जो चेंज करना है वो आपको करना है जी इज कार्व्ड तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं सेंटेंस को एक बारी The words equal justice under law is carved above the main entrance to the Supreme Court. हाँ जी अब यहां पे आपको पता है कि आपको दिया हुआ है जी words, ठीक है तो that means आपका जो subject है वो क्या है plural है right? जो आपका subject है that is plural. तो अगर हम subject verb agreement के rule पे जाएं और उसको याद करें तो हमेशा आपका जो ये देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या लेता है आपका प्लूरल वर्ब लेता है ठीक है तो यहाँ पर जो वर्ड्स आपके पास उसमें सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है तो सिंपल है ना यहाँ पे जो यहाँ पे इज कार्व्ड है ये भी प्लूरल होना चाहिए तो इसलिए यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा जी आपका आर कार्व्ड सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3 ठीक है जी तो क्या बना द वर्ड्स इक्वल जस्टिस अंडर लॉ आर कार्व्ड अबव द मेन एंट्रेंस टू द सुप्रीम कोर्ट ठीक है जी सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल राइट क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको रिप्लेस करना है ये अंडरलाइन वर्ड को पूरे सेंटेंस को पढ़ के तो चलिए पढ़ते हैं फिर पूरा सेंटेंस द वुमेन हु कॉन्फ्रंटेड The owner of the unleashed dog is angry. सबसे पहले मतलब तो सोचिए confronted और unleashed का मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि vocabulary जो है अपनी हमेशा आप साथ साथ करेंगे ठीक है vocabulary को साथ साथ चलाएं हमेशा तो जल्दी से सोचिए confronted का मतलब क्या होगा सोचिए सोचिए वेरी सिंपल कॉन्फ्रंटेड का बेसिकली मतलब होता है कि मतलब कि अपना जो है जैसे कि अगर आपने किसी से
लड़ाई करी है, ठीक है, या आप किसी से कोई बात क्लियर करना चाहते हो, तो आप उसके सामने खड़े होकर कॉन्फ्रंट कर रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉन्फ्रंटेड. तो अनलीस्ड क्या होता है, वॉट इज अनलीस्ड, कॉन्फ्रंटेड नोट कर लें. एंड अनलीस्ड क्या होता है, द वुमेन हु कॉन्फ्रंटेड द ओनर ऑफ द अनलीस्ड डॉग इज एंग्री. हाँ जी, बेसिकली अनलीश डॉग का मतलब, अनलीश का यहाँ पर ये मतलब है कि रिलीज करना, ठीक है. तो इसीलिए अब बताओ आप यहाँ पे मुझे कि यहाँ पे क्या आएगा, इज एंग्री लिखा है यहाँ पे. अब आपको पता लग रहा है यहाँ पे कॉन्फ्रंटेड है, ठीक है, दैट मीन्स ये किसमें है, ये है जी आपका पास्ट में, ठीक है. जो आपका कॉन्फ्रंटेड है ये है आपका किसमें, पास्ट में है. और यही देखो यहाँ पे गिवन भी आपको, द सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस. तो जो आपका जो वर्ब लगेगा वो भी किसमें होना चाहिए, वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए. तो अब यहां पर आप देखोगे कि यहाँ पे डॉग इज की जगह क्या आएगा, डॉग वॉज. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ठीक है. द वुमेन हु कॉन्फ्रंटेड द ओनर ऑफ द अनलीश्ड डॉग वॉज एंग्री, क्योंकि ये पास्ट में था जी यहां पर, तो यहां पर भी जो आपका आंसर है इट शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हां जी, लास्ट वीक रामा एंड श्यामा वर ऑनर्ड एट अ लंच, यहां पे स्पेस है, लंच ऑन फॉर देयर पार्ट इन रेस्क्यूइंग अ चाइल्ड हु विल फॉल इन टू एन आईसी पॉन्ड. अब ध्यान से देखिए जरा, यहां पर आपको दिया हुआ है लास्ट वीक, तो दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ पास्ट, ठीक है. और यहां पे लिखा हुआ है हु विल फॉल, तो सोचो हु विल फॉल कैसे आएगा, पास्ट की बात हो रही है, तो सिंपल है यहाँ पे जी, हु हैड फॉलन. ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, बिकॉज जो एक्शन है आपका वो पास्ट में हो रहा है, तो जो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन बचता ही एक है, बाय एलिमिनेशन मेथड. अगेन प्लीज लर्न द एलिमिनेशन मेथड, राइट. तो एलिमिनेशन मेथड से आपका एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर, हैड फॉलन. क्योंकि ये भी गलत हो जाता है आपका, नंबर वन फॉल्स है, ठीक है, वुड फॉल भी आपका फ्यूचर में चला जाता है जी, ये भी गलत है, और हैज फॉलन भी नहीं आएगा. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर. तो यहाँ पे विल की जगह आपका क्या आएगा जी, हैड फॉलन, विल फॉल की जगह हैड फॉलन आएगा. क्लियर, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. हां जी, अगला क्वेश्चन पढ़े. फाइंड द सेंटेंस दैट हैज ग्रामेटिकल मिस्टेक और टेंस यूजेज मिस्टेक. कि आपको इन चारों में से वो सेंटेंस टिक करना है जिसमें कोई ग्रामर की दिक्कत है या टेंस की दिक्कत है, ठीक है. ओके, तो पढ़ते हैं. नो इट्स नॉट ट्रू, ये तो सही लग रहा है, ठीक है, इसको टिक कर दिया मैंने. जो गलत होगा उसे मैं क्रॉस करूंगी इस बारी, ठीक है. द कर्टन क्लोज्ड एंड द पीपल विल अप्लॉड. अब यहां कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, कि वो कह रहा है कि कर्टन क्लोज्ड एंड द पीपल विल अप्लॉड. तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि टेंसेस में इश्यूज लग रहे हैं, ठीक है. तो इसको मैंने अभी के लिए क्रॉस किया है, ठीक है. माई सिस्टर इज अ नर्स प्रैक्टिशनर, ये भी ठीक है. इट इज गोइंग टू टेक ऑल डे, ये भी ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, वाई. देखिए ध्यान से, क्योंकि यहां पर आपका लिखा हुआ है जी द कर्टन क्लोज, ठीक है, तो वो क्लोज है, दैट मीन्स वो किसमें है, दैट इज इन द पास्ट टेंस. लेकिन जो ये सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी विल अपलॉड, दैट मीन्स वो किसमें है, दैट इज इन द फ्यूचर टेंस, कि वो होगा आगे, ठीक है, विल अपलॉड, तो वो गलत है. तो जो दोनों टेंसेज हैं उनका सेम यूजेज होना चाहिए था, जैसे आप यहाँ हो सकता था द कर्टन क्लोज एंड पीपल अपलॉडेड, ठीक है, अगर पास्ट में होना चाहिए, और अगर फ्यूचर में होता तो दोनों ही फ्यूचर में होते, तो ये मिक्स एंड मैच हो गया. तो आपका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर टू, ठीक है जी. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये. अब देखो इसके अंदर भी आपके पास सेम डायरेक्टिव है कि आपको इन चारों में से बताना है कौन सी मिस्टेक है, ठीक है. तो पहला पढ़ते हैं. शी शोड अस फाइव डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू पेंट. ओके, सही लग रहा है जी ये तो. देर आर सेवन फ्लोर्स इन दिस बिल्डिंग, यहाँ पे फ्लोर्स है, यहाँ पे आर है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन क्या है. आफ्टर वी सैट डाउन टू ईट डिनर
the phone ring. Okay, obviously this has mistaken. ठीक है, circle किया अभी मैंने. It has not rained since last April. ये भी बिल्कुल सही है. तो आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 3. उसको मैंने क्रॉस कर दिया क्योंकि इसमें एरर है. अब ध्यान दो यहाँ पर कि जो यहाँ पे जो फॉर्म है जी टेंस की, यहाँ पे आपको सैट दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि रिंग की जगह क्या आएगा जी, रैंग आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट टेंस में है. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द. ओके, तो यहाँ पर अभी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जी. आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे टेंस, कि आपके पास ये स्टेटमेंट एक गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा टेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है जी वी सॉ द ट्रूप्स. तो सॉ को मैंने वो कर दिया जो मेन वर्ड है यहाँ पे, जिससे हमें पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है फ्रॉम द ऑप्शंस विच आर गिवन हियर. सबसे पहला है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नहीं जी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आई एन जी लगता है. फिर है आपका पास्ट इनडेफिनेट, बिल्कुल सही. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. दिस इज सिंपल पास्ट या पास्ट इनडेफिनेट, क्योंकि जो आपका एक वर्ड है यहाँ पर सॉ, वो किसका पास्ट टेंस है, दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब सी. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पास्ट इनडेफिनेट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है ये, और प्रेजेंट इनडेफिनेट भी नहीं है, क्योंकि ये पास्ट में गिवन है जी सॉ, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में. सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. फिर अगेन यू हैव टू फाइंड द टेंस. शी विल वॉच टेलीविजन, तो ये विल है. ठीक है, बहुत ही आसान है, विल से ही आपको पता लग जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. बाकी ऑप्शंस हमें जो है देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि अभी उसने देखा नहीं है वो टेलीविजन. द एक्शन ऑफ वॉचिंग हैज नॉट हैपन्ड येट एंड इट इज येट टू हैपन इन द फ्यूचर, कि अभी फ्यूचर में वो देखेगी. तो विल से हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है जी, फ्यूचर इनडेफिनिट आपका टेंस है यहाँ पर. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइट. ओके, नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब इस तरीके के भी सवाल आते हैं, देखो कि ये आपको बताना है, मतलब इसमें क्या आएगा कि जो आपका आंसर है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हो जाए. ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद विलयाशाल लगता है, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट. ये आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का एक रूल है. ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे विल के, विल या शैल के साथ बी लगेगा प्लस आई एन जी लगेगा, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं. आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1. तो क्या बन गया आपका, ही विल बी वर्किंग वेरी हार्ड बिकॉज यू हैव टू आंसर इट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो ये जो रूल है इसको याद कर लें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम मार्किंग अ स्टार हियर. ठीक है, इसको याद कर लें अगर किसी को नहीं याद है, सो दैट एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपकी हेल्प हो जाए बहुत ज्यादा और आपके फुल मार्क्स हो. ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेसेस गिवन बिलो. ओके, द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट. वेरी सिंपल, ये फैक्ट है जी एक. तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? हाँ जी बताइए, ये तो कुछ होगा ही नहीं, इन तीनों को तो छोड़ ही दो, ये सिंपल है बहुत, इन तीनों में से तो कोई भी नहीं होगा. आप बताओ 1 होगा या 2 होगा. अब देखो अगर हम रूल के अकॉर्डिंगली जाएं तो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, कि सन सेट्स इन द ईस्ट एंड राइजेस इन द वेस्ट. लेकिन 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक फैक्ट है. सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. वैसे रूल के अकॉर्डिंग तो 1 और 2 दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली भी जाएंगे तो आंसर होगा जी आपका ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या है फिर. व्हाट टाइम डैश अप एवरी डे. हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके पास. अब 4 ऑप्शंस हैं. व्हाट टाइम आर यू वेकिंग अप एवरी डे, व्हाट टाइम हैव यू वेकिंग अप एवरी डे. दोनों ही बोल के पता लग रहा है कि दोनों गलत है. व्हाट टाइम डू यू वेक अप एवरी डे, ये ऑल द अबव आर करेक्ट.
आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. व्हाट टाइम डू यू वेक अप एवरी डे. ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, आपको बोल के ही पता लग रहा था कि ये दोनों तो जज भी नहीं रहे हैं. तो आपका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर थ्री. ओके, ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा. सो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, ताकि आप जो अपने बाकी फ्रेंड्स हैं जो घर में हैं इस टाइम पे, ऑब्वियसली सारे ही घर में हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख लें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे के पूरे क्लियर कर लें. ठीक है, एंड जिन्होंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज एडुटैप टीचिंग परीक्षा. तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना था ये आपने. तो चलिए जी, फिर मिलते हैं. अब आपको परसों मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और प्लीज घर के अंदर रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई भी करते रहें. ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.